नितिन चंद्रकांत देसाई मराठी और हिंदी सिनेमा का बड़ा नाम थे। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को बड़ा अफसोस हुआ जब ये खबर सामने आई कि मशहूर आर्ट डायरेक्टर नितिन देसाई अब नहीं रहे। नितिन देसाई ने सुसाइड करके हर किसी को हैरान कर दिया है। नितिन देसाई एक्टर, फिल्म मेकर, आर्ट डिजाइनर, सेट डिजाइनर और प्रोडक्शन डिजाइनर के रूप में मशहूर रहे हैं। उन्हें 4 बार नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। विधु विनोद चोपड़ा, राजकुमार हिरानी, संजय लीला भंसाली और आशुतोष गोवारिकर, इन जैसे जाने माने डायरेक्टर के साथ भी नितिन देसाई ने काम किया था। 1989 से वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। 1942 अ लव स्टोरी, अकेले हम अकेले तुम, माचिस, मिशन कश्मीर, मुन्ना भाई MBBS, पानीपत से लेकर हम दिल दे चुके सनम, देवदास, लगान, इस जैसी सुपरहिट फिल्मों में उन्होंने आर्ट डायरेक्टर का काम संभाला था। नितिन देसाई ने अपने शानदार करियर में कई अवार्ड जीते, लेकिन वो एक ऐसे आर्ट डायरेक्टर थे जिन्होंने एक नहीं बल्कि 4-4 बार नेशनल अवार्ड जीता था। उन्हें पहला राष्ट्रीय पुरस्कार साल 1999 में आई फिल्म डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, फिर दूसरा हम दिल दे चुके सनम, फिर तीसरा लगान और चौथा देवदास के लिए मिला था। उन्होंने फिल्मों में कामकाज के साथ साथ एनडी स्टूडियो की स्थापना 2005 में की थी। ये स्टूडियो उनका सबसे बड़ा सपना था। ये वही स्टूडियो था जिसमें भारत का सबसे बड़ा थीम पार्क बनाया गया था। भारत में सबसे बड़ा फिल्म सेट बनाने का रिकॉर्ड नितिन देसाई के पास ही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एनडी स्टूडियो महाराष्ट्र के फेवरेट डेस्टिनेशन में टूरिस्ट की पसंद में से एक है। बॉलीवुड की कई सारी फिल्में, टीवी शोज और एड फिल्म्स की शूटिंग यहां हुई थी। बताया जा रहा है कि 2020 से नितिन देसाई पैसों की तंगी से परेशान थे और इसी वजह से उन्होंने मौत को गले लगाया। उनकी सुसाइड को लेकर अब एक दूसरी अपडेट सामने आई है। उन्होंने एक फाइनेंस कंपनी से 180 करोड़ रुपए का कर्जा लिया था और वो बड़े कर्ज के बोझ में दबे हुए थे। सूत्रों के मुताबिक 180 करोड़ रुपए का कर्ज अब बढ़कर लगभग 252 करोड़ रुपए हो गया है, जिसे चुकाना जरूरी है। सुनने में आ रहा है कि एक फाइनेंस कंपनी कर्ज वसूली के लिए इंडी स्टूडियो का ऑक्शन करने वाली थी। इस वजह से देसाई काफी टेंशन में आ गए थे। इंडी स्टूडियो में करीब 150 लोग काम कर रहे थे। पिछले 2-3 साल से उनका स्टूडियो चल नहीं रहा था। कोविड के बाद से ही वो लगातार लॉस में थे। हैरानी की बात यह है कि नितिन देसाई ने अपने ही फेमस एनडी स्टूडियो में सुसाइड किया है। नितिन देसाई के सुसाइड करने से पूरा बॉलीवुड सदमे में है।